राजस्थान में इस वक्त बड़ी सियासी हलचल चल रही है, सियासी संकट भी आप इसे कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। राजस्थान में गहलोत की जगह कौन बनेगा सीएम, इस पर फैसला होने वाला है। गहलोत गुट के 50 विधायकों ने शांति धारीवाल के घर पर बैठक की है। उधर दूसरी ओर पायलट गुट के विधायक अलग रणनीति बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर उनके यानी पायलट गुट के विधायकों के अनुरूप फैसला नहीं हुआ तो गहलोत सरकार गिर भी सकती है। फिलहाल इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जहां पर यह फैसला होना है कि गहलोत की जगह आखिर किसे सीएम बनाया जाए। गहलोत समर्थकों का कहना है कि सरकार समर्थक 102 विधायक में से किसी को भी सीएम बना दिया जाए, सिवाय पायलट और उनके उन समर्थक विधायकों के जो पिछले साल सरकार गठन के समय पायलट के साथ मानेसर गए थे, गहलोत की दावेदारी के खिलाफ खड़े थे और अब दोनों गुट आमने सामने होते दिख रहे हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मनीष, फिलहाल क्या हो रहा है, क्या तस्वीर बनती दिख रही है, दर्शकों को विस्तार से समझाएं। देखिए विवेक, बहुत दिलचस्प राजनीति राजस्थान की हो गई है। शांति धारीवाल के घर के बाहर की मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये धारीवाल का घर है और शांति धारीवाल के घर के अंदर मीटिंग चल रही है। लगभग 56 से 60 विधायक, जिसमें कैबिनेट मंत्री वगैरह तमाम यहां पर मौजूद हैं, और ठीक इसी के बगल में अभी कुछ देर पहले राजेंद्र गुड़ा बैठे हुए थे। और ये विधायक कब निकलेंगे ये फिलहाल पता नहीं, क्योंकि 7 बजे का वक्त था जो विधायक दल की बैठक होनी थी, और अभी विधायक दल की बैठक क्यों नहीं शुरू हुई है ये बड़ा सवाल है। पेच कहां पर फंस रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो सारे विधायक है वो यहां से निकलेंगे, बस में सवार होकर सीधे सीएमआर जाएंगे और वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी। लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर माना जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास नंबर का जो गेम है, जो आंकड़ा है, वो फिलहाल उनके पास मौजूद है। लेकिन उसके साथ ही जो पायलट कैंप के जो जितने भी नेता हैं वो फिलहाल यहां से अलग हो गए। राजेंद्र गुड़ा कुछ देर पहले ही यहां से निकले हैं। अगर कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया कि भाई 102 विधायक है, उसमें से क्यों ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। संयम लोढ़ा जो यहां पर आए सबसे पहले, उन्होंने कहा कि अगर विधायकों के अनुरूप फैसला नहीं होता है तो सरकार गिर भी सकती है। यानी एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, क्योंकि एक नाम चल रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसमें भी एक बड़ी बात यह है, क्योंकि जब इससे पहले मानेसर वाला जब कांड हुआ था, जब बगावत हुई थी, तब यह माना जा रहा था कि आलाकमान से एक कमिटमेंट किया गया था जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, और उसी कमिटमेंट पे अभी भी तमाम चीजें हो रही हैं। और ये लोगों का कहना है कि सचिन पायलट चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक बड़ी कोशिश की थी। अभी देखिए कृष्णा पुनिया यहां पर आई है। कृष्णा जी, यहां पर विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? जब विधायक दल की मीटिंग होगी जब उसके बाद ही कुछ कह सकते। अब विधायकों को मुख्य सचेतक ने, मुझे मुख्य सचेतक ने कहा कि आपको आना है, तो मुख्य सचेतक हमेशा विधायकों को सूचना देते हैं। मैं आई हूँ। प्रदर्शन है क्या गहलोत जी का? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। एक साथ आप सारे विधायक जा रहे हैं? नहीं नहीं, सचिन पायलट के साथ अलग विधायक बैठे हैं? नहीं, देखिए किस बात पे हो रही है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। नंबर एक मैं बताना चाहूंगी, हाईकमान जो हमें आदेश देगा हम पार्टी के लिए हाईकमान के साथ है। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना है, सीएम कौन? जो हमारा हाईकमान तय करेगा। ठीक है, हाईकमान तय नहीं कर पा रहा है अभी तक के, कोई ना कोई पेज तो फंसा है। बिल्कुल तय करेगा। ठीक है, कृष्णा पुनिया है जिनका कहना है कि भाई मुख्य सचेतक की तरफ से बुलाया गया है और मुख्य सचेतक ने ही विधायक दल की बैठक बुलाई है, लिहाजा वो यहां पर आई हैं। और चूंकि मुख्य सचेतक की तरफ से जिस वक्त मैसेज गया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घर पे बड़ी एक सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस लगाई गई, एक बस बुलाया गया, क्योंकि नंबर गेम दिखाना है। नंबर गेम में अब कौन मजबूत होता है? अशोक गहलोत के पास तो 60 विधायक है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर सब यहां पर मौजूद है, लेकिन क्या पायलट खेमे के विधायक उतने मौजूद हैं? वो फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये माना जा रहा है कि एक अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिसमें सभी विधायकों ने एक सहमति बनाते हुए एक बात कही है कि जितने भी विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि जो सरकार बचाने में जिनकी भूमिका रही है वो फिलहाल वही तय करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि बगावत जिन्होंने अपनाई थी वो उन लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अब आपको ये राजस्थान की राजनीति में समझने वाली बात है विवेक, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल फिलहाल में जो दौरे कर रहे
रहे हैं वो उनके साथ एक चेहरा बहुत तेजी से साथ में चल रहा था, उसका नाम है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। कयासों का दौर ये लगाया जाने लगा कि राजस्थान में एक ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है, जाट ओबीसी में आते हैं, लिहाजा कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाए। सीपी जोशी सीनियर लीडर हैं, उनको भी एक बतौर एक वरिष्ठ नेता के तहत राजस्थान के एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जा सकता है। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आला कमान जब यहाँ पर आया है तो ये माना जा रहा है कि एक रेजोल्यूशन के साथ ये लगभग तय हो जाना चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस मुख्यमंत्री को बनाने के लिए सब अलग अलग गुट अपना प्रयास कर रहे हैं। बगावती तेवर विधायकों ने बहुत जबरदस्त दिखाना शुरू कर दिया है, और ठीक वैसी ही स्थिति कमोबेश हो रही है जब कुछ साल पहले हुई थी, जब सचिन पायलट बगावत होकर अपने विधायकों के साथ निकल गए थे। लेकिन नंबर गेम किसके पास है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर गेम में फिलहाल अभी जो विधायक नेता यहां पर बैठे हुए हैं पायलट के साथ, जो कुछ विधायक पायलट के घर पर बैठे हैं, G6 यानी जो बसपा से जो शामिल हुए थे कांग्रेस में, वो फिलहाल यहां पर नहीं है। इसमें 6 विधायक है जिसमें राजेंद्र गुढ़ा मंत्री हैं, जोगिंदर अवाना है, वाजिब अली है, लाखन मीणा है, ये विधायक कहां हैं, ये अभी यहां पर नहीं है। इन विधायकों का तो यहां तक क्या कहना है कि अगर शक्ति प्रदर्शन ही है गहलोत की तरफ से तो फिलहाल 102 विधायक पूरे दिखाएं, अगर 102 विधायक होते हैं तो यानी सरकार बचती है, अगर उनके पास भी नंबर गेम नहीं है तो कहीं ना कहीं खेल बड़ा हो सकता है। तो अब सारे जो कयासों का दौर है वो टिका हुआ है आला कमान के ऊपर। लोगों का कहना है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पास होगा क्योंकि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो ये एक परंपरा है कि प्रभारी यहां पर आता है और प्रभारी बाकायदा विधायकों के सामने एक मैसेज आलाकमान का चिट्ठी जो होती है वो पढ़ता है, जिसमें वो सूचना देता है कि सभी विधायकों को दिल्ली आना है क्योंकि उनका नेता वहां पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति एक पद का अगर फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए सबसे मुफीद चेहरा राजस्थान में सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का चल रहा है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने इसकी सारी कवायद यहां पर चल रही है। अशोक गहलोत खेमे के सारे विधायक हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, गुटबाजी जबरदस्त हो रही है, रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। क्या ये गुटबाजी के दबाव में आलाकमान आएगा क्योंकि मैसेज यही देना चाहते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा भी है कि अगर विधायकों के अनुरूप फैसला नहीं होता है तो सरकार गिर सकती है, यानी ये साफ है कि अगर आलाकमान की मंशा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाए तो शायद ये जो विधायक अंदर इस वक्त शांति धारीवाल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ सारे नेता कैबिनेट मंत्री विधायक हैं, वो एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, दबाव की राजनीति बनाई जाएगी। इस दबाव की राजनीति में नंबर गेम सबसे बड़ी भूमिका होगी। नंबर गेम में किसके पास आंकड़े ज्यादा हैं, क्या अशोक गहलोत गुट के पास आंकड़े ज्यादा हैं या सचिन पायलट के पास आंकड़े ज्यादा है, इसका पूरा खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन जी मनीष, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, लेकिन सबसे बड़ा पेच मुझे लगता यह है कि आखिर किस तरह से जो दोनों गुट है वो ये कह रहे हैं कि अगर पायलट गुट से कोई सीएम बनता है तो हम समर्थन नहीं देंगे, गहलोत गुट कह रहा है अगर ये बात अगर पायलट गुट कह रहा है गहलोत गुट से कोई सीएम बनता है तो हम समर्थन नहीं देंगे, तो इस पेज को सुलझाया कैसे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।